बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से लगातार कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार 3 जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। एनसीबी, सीबीआई और ईडी की टीम लगातार सुशांत केस से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रही है। हाल ही में ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने सुशांत के स्टाफ में काम करने वाले दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। वहीं इसके बाद रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ की, लेकिन बाद में इन तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सुशांत केस में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ड्रग्स के मामले में लगातार कई लोगों के नाम भी सामने आते नजर आ रहे हैं। इस बीच रिया चक्रवर्ती लगातार सवालों के घेरे में फंसी हुई हैं, तो वहीं खबरें सामने आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। जहां एक ओर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं अब दीपेश और सैमुअल ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दीपेश और सैमुअल ने बताया है सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर होने वाली ड्रग्स पार्टी के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में होने वाली पार्टीज के बारे में जानकारी दी है। वहीं सैमुअल ने इस बात का खुलासा भी किया है कि इस पार्टी में कई बॉलीवुड के सेलेब्स भी शामिल होते थे और बॉलीवुड के कई सेलेब्स के नाम भी लिए हैं। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि सैमुअल और दीपेश ने ये भी बताया है कि सुशांत के घर पर इन गैर कानूनी ड्रग्स लाने के पीछे रिया चक्रवर्ती हैं। और इस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। दीपेश सावंत ने एनसीबी के कई बड़े सवालों का जवाब दिया है। दीपेश ने ये भी बताया है कि उन्होंने शोविक के कहने पर ड्रग्स खरीदे थे और इसके अलावा ड्रग्स खरीदते वक्त सैमुअल मिरांडा भी उनके साथ थे। रिया ने 17 अप्रैल को ड्रग्स लाने के लिए कहा था और इस तरीके से रिया को लेकर दीपेश ने ये बड़ा खुलासा किया है। बीते कुछ दिनों पहले ही एनसीबी को मोबाइल फोन चैट रिकॉर्ड और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डेटा हासिल हुए थे, जिसमें लगातार कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आए। फिलहाल शोविक और मिरांडा 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब एक और नया मोड़ सामने आ चुका है। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।